जय हिंद टू यू ऑल गाइस। तो गाइस जैसा कि आपको पता है NICL AO मेंस होने वाला है, तो वहां पे जो आपका JS का सेक्शन है उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा इसका पार्ट वन पहले ही आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसे जरूर देखना है, क्योंकि वहां पे मैंने हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करी है। अगर अब मैं ये बात करता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो अब आपने यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में एक और चीज पढ़ी होगी, IRDAI। तो ये IRDAI जो है, इसकी जो गठन है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन में हुई थी, तो दैट इज मल्होत्रा कमेटी। तो यहाँ पे आपने आज ध्यान देना है कि हमने जो आज फोकस करना है वो किसका होगा, वो मल्होत्रा कमेटी का होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ NICL AO मेंस जो कि होना है आपका, तो यहाँ पे आपके जो चार सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और क्वांट। अब ये हो गया आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चंस, ये हो गया आपके मार्क्स। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया गया है। अब ये जो आपका क्वांट का था ये 40 मिनट का हो गया है, जनरल अवेयरनेस 30 मिनट का, इंग्लिश आपका 40 हो गया और रीजनिंग आपका 40 हो गया। कुल मिला के ये जो टाइम हो गया आपका 150 मिनट, यानी कि 2 आवर 30 मिनट का जो आपका टाइमिंग है पर्टिकुलरली आपके मेंस के एग्जाम के लिए मिलता है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने का पेपर भी आता है। चलिए, आई एग्जाम बी के द्वारा NICL AO का जो कोर्स है उसमें आपको भारी छूट दी गई है, 60% का आपको उसमें वीवर मिलता है। यहाँ पर जो हमारे द्वारा आपको कोर्स दिया जाएगा उसके तहत आपको यहाँ पे डेली क्लासेस आपको दी जाती हैं, जिसमें आपके 400 ज्यादा वीडियो लेसन्स होते हैं, 125 ज्यादा आपको स्टडी नोट्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, 1000 जो आपका यहाँ पे 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। साथ ही साथ में आपके फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। अभी जो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट है इसमें होता यह है कि जो आपका पर्टिकुलर जो आपका सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है पेपर का, उसके हिसाब से आपके लिए मॉक टेस्ट की एक सीरीज बनाई जाती है। उसमें आप अटेम्प्ट कर पर्टिकुलरली आप ये भी चेक कर सकते हो कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो किस ग्राफ में जा रहा है, सही जा रहा है या गलत जा रहा है। पर्टिकुलरली आप फिर उस फील्ड में जाकर आप देखेंगे कि मेरी गलती कहाँ पे थी। मॉक इंटरव्यू अगर आप पर्टिकुलरली तैयारी करते हैं, आप पास होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो हमारे द्वारा भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो NICL का जो कोर्स है, आप कोड यूज करेंगे NICL AO60, यहाँ पर आपके जो कोर्स है उसमें आपको 60% का वीवर ऑफ मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे मल्होत्रा कमेटी की। तो इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही हो और मल्होत्रा कमेटी की बात ना हो तो ऐसा होना संभव नहीं है। तो ये जो मल्होत्रा कमेटी है, इस मल्होत्रा कमेटी में ये बात यहाँ पे आ जाती है कि भारतीय सरकार द्वारा, अब भारतीय सरकार को ये समझ में आ गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ चुकी थी कि कैसे भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रहा था। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 के बाद से ही पूरे जो हमारा भारत में लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको एक तरीके से डोमिनेट कर रही थी। 1990 तक अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 1990s तक सिर्फ एकमात्र जीवन बीमा के क्षेत्र में एक LIC ही हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय सरकार को अब ये लगा कि अगर एक ही कंपनी है उसकी मोनोपोली हो जाएगी तो भारतीय सरकार पैसा नहीं कमा पाएगी। तो पैसा कमाने की एवज में भारतीय सरकार ने बोला ऐसी जो कमेटी उसका गठन करेंगे, जिसके तहत एक कुछ विचार निकल के आएंगे, कुछ समितियां निकल के आएगी, जिसके तहत हम आगे आगे जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको तैयार कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में एक कमेटी का गठन किया जिसे हम बोलते हैं मल्होत्रा कमेटी, यानी कि RN मल्होत्रा इनका पूरा नाम था। तो मल्होत्रा कमेटी का गठन होता है 1993 में और इनको बोला जाता है कि अब आप क्या करेंगे, भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें जो भी सुधार, जो भी रिफॉर्म्स, जो भी रिकमेंडेशन, जो भी सुझाव आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये RN मल्होत्रा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए 1926 में इनका जन्म हुआ था और 29 अप्रैल 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे समझना जरूरी यह है कि जो ये है हमारे RN मल्होत्रा, ये 17वें गवर्नर रह चुके हैं RBI के 1985 से 1990 के बीच में 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। और आपको पता है वर्तमान में जो करंट अफेयर है वो ये कहता है कि जो भारत के वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका कार्यकाल भारतीय सरकार ने 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये जो RN मल्होत्रा थे ये IAS थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक तरीके से मेंबर थे। तो ये भारत में
ये सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं, यानी कि जो हमारा वित्त मंत्रालय उसके सचिव भी रह चुके हैं, और ये इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं टू द IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। और जब ये RBI के गवर्नर बने तो उससे पहले ये दो पद ये संभाल चुके थे। और आपको पता है आज के डेट में भी जो IAS होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, वही RBI के गवर्नर बनते हैं, जैसे कि आपका उर्जित पटेल हो गया, रघुराम राजन हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे अब इनके काल में क्या हुआ था, 500 रुपए का नोट भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि आप समझ लीजिए 1985 से 1990 के बीच में भारत ने पहली बार 500 रुपए का नोट भी देखा था, वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था। और इनको 1990 में इनके कार्यकाल के लिए, इनके कार्य के लिए पद्म भूषण भी दिया गया। अब आपको पता है पद्मा जो अवार्ड्स होते हैं अभी हाल ही में दिए गए, कंगना रनौत को दिया गया है, और यहाँ पे जो करण जौहर को दिया गया है, फिल्म की हस्ती को काफी को मिला है, एकता कपूर को मिला है, और बलराम जी ठक्कर को मिला है, और फल विक्रेता हैं, और बहुत सारे आज के डेट में टोटल मिला के 108 जो पद्म श्री मिले हैं, और टोटल काफी लोगों को यहाँ पे पद्म अवार्ड दिया गया है। और ये जो पद्म अवार्ड होते हैं सिविलियन अवार्ड होते हैं, ठीक है, ये मिलिट्री अवार्ड नहीं होते। मिलिट्री अवार्ड में आपका आ जाएगा परम वीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र हालांकि एक बार सिर्फ सिविलियन को मिला है, वो है अजीत डोभाल। ठीक है, अब जो पद्मश्री अवार्ड है, पहले आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सबसे हाईएस्ट जो हमारा सिविल ऑनर है वो है हमारा भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण। ठीक है, तो यहाँ पे 1990 के लिए क्या दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। और इनकी जो वाइफ थी अन्ना राजन मल्होत्रा, भारत की पहली महिला IAS थी, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करूँ IPS की, तो पहली महिला IPS है किरण बेदी। ठीक है, तो कुछ रिकमेंडेशन हम लोग यहाँ पे आज देख लेते हैं। तो ये कमेटी का गठन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था, 1994 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं इनको आप अलाउड करो। भारत में उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनीज नहीं थी जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में आ सके, तो यहाँ पे इनको ये बोला गया कि अब आप प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी आने दो, ये सुझाव था इनका पहला। दूसरा सुझाव था कि जो यहाँ पे प्रमोटर्स को भी आना दो। प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो आपके पर्टिकुलरली जो फील्ड होता है, जो कंपनी होती है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, विदेश की कोई कंपनी यहाँ पे प्रमोट करने आएगी, अपने आप को खुद को प्रमोट करेगी, अपनी कंपनी बैठाएगी, तो उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, अब यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक ऐसी बॉडी बनाओ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर को चेक कर सके। इस कमेटी का सुझाव था कि एक ऐसी कंपनी बनाओ, एक ऐसी बॉडी बनाओ जिसके तहत आपका जो ये इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट हो सके। जैसे कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर RBI से रेगुलेट होता है, उसी प्रकार से जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, वो सेबी से होता है, पेंशन फंड आपका PFRDA से होता है, टेलीकॉम सेक्टर आपका ट्राई से होता है, तो ऐसे ही आपके रेगुलेटर्स होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी आपको एक बॉडी बनानी है। अब इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि अब आप क्या करेंगे, एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट होगी, जो अपने फैसले खुद ले सकेगी, जो अपने लिए काम कर सकेगी, सरकार का कोई दबाव नहीं होगा उसमें। इसी को मद्देनजर रखते हुए बाद में सरकार ने IRDA की स्थापना करी, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हालांकि उसमें लास्ट में जाकर आई भी जुड़ जाता है बाद में। तो यहां पे इन्होंने रिकमेंड करा कि जो इन्वेस्टमेंट है LIC की गवर्नमेंट में वो 50% क्या है, 50% कर दी जाए, और एग्जिस्टिंग लिमिट कितनी है 75%, इसको घटा दिया जाए। यानी कि इन्होंने बोला कि जो ये बोलते हैं कि जो LIC है उसका जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे क्या करें हम कि वहां पर 75% से घटाकर हम उसे कितना ले आए, 50% तक लेके आ जाए, इससे कम होगा। तो प्राइवेट कंपनीज जो प्राइवेट ओनर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कंपनीज है, वो आएंगी और इस पर इन्वेस्ट करेंगी, इस पर इन्वेस्ट करेंगी तो यहाँ पे फायदा होगा, फायदा होगा तो इकोनॉमी बूम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा बोलते हैं कि यहाँ पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आने दो। कोई विदेशी कंपनी LIC में पैसा लगाना चाहती है, कोई विदेशी कंपनी है GIC में पैसा लगाना चाहती है, कोई विदेशी कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाना चाहती है, तो आप उनको आने दें। फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगी, कोलैबोरेशन करने के बाद वो कंपनी आगे ग्रो करेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज के लिए भी एक तरीके से सुझाव दिया था। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस कंपनीज को अपना कुछ प्रतिशत जो बिजनेस है, जो व्यापार है,
वो पर्टिकुलरली उनको रूरल एरियाज में करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 25%, 30%, ये कितना भी परसेंट ये हो सकता है इनके द्वारा तय करा जाएगा। तो ये 30% का जो इनका व्यापार है ये लोग कहाँ पे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे। अब ये जो LIC है ये कंपनी, इसको एक कंपनी की तरह बना दो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन, जो कि पर्टिकुलर सरकार के दबाव में काम करता है। इन्होंने बोला इसको एक कंपनी बनाओ, इसको एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी बनाओ, कंपनीज एक्ट के तहत इसको लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि आपने सरकार के द्वारा 1956 में एक लेजिस्लेशन लेके आए LIC ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन एक्ट और आपने LIC का गठन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपने कंपनीज एक्ट के तहत 1956 के तहत आपको इसके एक कंपनी बनाना होगा जो कि एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इन्होंने इसका सुझाव माना और December 7 में IRDA की स्थापना कर दी, जिसको हम बोलते हैं 7 दिसंबर 1999 IRDA, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये इनका सुझाव था कि एक बॉडी तो पक्का होनी चाहिए। अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि जो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके आप इंटरेस्ट को आप चेक करेंगे, उनके इंटरेस्ट का आप ख्याल रखेंगे, उनके इंटरेस्ट का आप ध्यान रखें और उससे रिलेटेड आप डेवलपमेंट के कार्य करें, उनके सुधार के लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली कार्य करेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। हमारे अगले वीडियो में हम लोग IRDA से रिलेटेड उनके काम क्या होते हैं, कैसे वो लोग आगे कार्य करते हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।